कर रहा है यार, दिखा दे मुझे भी, दिखा दे मैं भी याद कर लूं। क्या याद कर रहा है, दिखा दे यार, दिखा दे मुझे भी, दिखा दे। पूरे साल तो कुछ पढ़ा नहीं है, अब क्या पढ़ेगा 5 मिनट में, क्या पढ़ लेगा बता तू। सर शांत हो जाओ, शांत, चुपचाप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। ओए मोनू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर एक मिनट, बस एक मिनट सर, बस थोड़ा सा रह गया सर, लास्ट है लास्ट, बस एक मिनट दे दीजिए मुझे बस। चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जा और ये नोट ब्लैक बोर्ड के पास रख रख। अब किसी भी बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए और सभी बच्चों का एग्जाम हॉल में स्वागत है एक बार फिर से। आप लोगों को यह जान के बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि जो इस बार पेपर में फेल हो जाएगा उन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा नकल मारता हुआ पकड़ा गया तो उसके सामने ही उसका पेपर फाड़ दिया जाएगा और उसे कम से कम 6 महीने की उम्र कैद की सजा होगी। गोलू आ गया तू? नहीं सर, मैं तो रास्ते में हूँ, जाम में फंसा हुआ हूँ, आधे घंटे बाद आऊँगा मैं। बकवास मत कर और ये बता कि ये मास्क पहन के क्यों आया है तू? सर जी मैं चाहता हूँ ना कि आज का पेपर पोस्टपोन कर दिया जाए, ये पेपर अगले हफ्ते ले लेना, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ सर जी, बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खांसी और बुखार हो गया है, डॉक्टर ने बोला है एक हफ्ते आराम करो, तो सर आप मेरी मजबूरी समझो और पेपर एक हफ्ता लेट कर दो, पोस्टपोन कर दो एक हफ्ता बाद। बकवास मत कर और चुपचाप जाके अपने जगह पे बैठ जा और जो तू ये मास्क पहना है ना तो ध्यान रखना, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं होना चाहिए, समझ में आया तेरे को? क्या बात कर रहे हो सर, मैं आपको चीटर लगता हूँ क्या? ओए ओए चुप हो जा और जाकर अपने सीट पर बैठ जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। गोलू वही मास्क है यार, वही मास्क है, वही वाला। हाँ हाँ यार वही वाला है, शांत रहे बस। अब लास्ट वार्निंग, सब लोग शांत हो जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। अब सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने जा रहा है, अब कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। अगर किसी के पास अभी भी नकल मारने की कोई भी सामग्री या इंस्ट्रूमेंट है तो अभी भी मौका है, निकाल दो, नहीं तो बाद में पकड़ूंगा तो फिर सोच लेना। चलो ठीक है, मैं ये समझ के चलता हूँ कि किसी के पास भी कोई नकल मारने की सामग्री नहीं है। चलो अब मैं पेपर बांटता हूँ। हाँ तो बच्चों, आप लोगों के पास 5 मिनट का समय है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लो, अगर कोई भी गड़बड़ी या कुछ गलत लगता है तो पूछ सकते हो। कौन है ये रे, कौन ये मातम बना रहा है, कौन है? ओए 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 कहाँ जा रहा है, क्या हो गया, टट्टी लगा है क्या? सर जी मुझे पता चल गया है कि मैं इस पेपर में पास नहीं हो सकता हूँ सर जी, अगले साल मिलेंगे सर। एक से बढ़कर एक पागल पड़े हैं इस क्लास में। हाँ तो अब सभी बच्चे इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन लें और जितना मुझसे बच सकते हैं बचें। सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर पर नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन पहले लिख लें। अगर जो बच्चा नहीं लिखेगा तो मैं अभी चेक करता हूँ तब बताता हूँ तुम लोगों को। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन पेपर पर नाम क्यों लिखवा रहे हो सर, आंसर शीट में तो लिखे हैं ना। ओए बकवास बिल्कुल नहीं, जो बोला गया है वही करो बस, अपना दिमाग मत लगाओ फालतू का तुम लोग। तो सभी बच्चे पेपर करना शुरू करें, रेडी स्टडी गो। समोखन तेरे को कुछ आता है क्या? मोनू बिल्कुल चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। सर जी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में ध्यान देगा तब ना क्वेश्चन समझ में आएगा तेरे को, अगर अब तेरे को बात करते हुए पकड़ लिया तो सीधा क्लास के बाहर फेंक दूंगा और तेरा पेपर फाड़ दूंगा, तेरे को जेल करवा दूंगा। बात मत करो रे तुम लोग, मैं सब देख रहा हूँ, तुम लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि जितना मुझसे बच सकते हो बचो। अरे भाई मोनू, ओ मोनू, मोनू भाई सुनना यार मोनू भाई, सभी बच्चे शांति बनाए रखो, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। मोनू भाई बस थोड़ा सा बता दे यार, बस एक क्वेश्चन बता दे यार, सुनना यार, ओ मोनू भाई सुन ले यार, मोनू बता दे यार सुन ले यार, ओ मोनू मोनू। चीटर कहीं का, अब बताता हूँ तुझे मैं, रुक। सर जी मोनू चीटिंग कर रहा है जी, पर्ची बना के लाया है वो देखिए। मोनू तू
नहीं सर, झूठ बोल रहा है। नहीं सर, झूठ बोल रहा है ये, इसके पास पर्ची है, आप तलाशी तो लीजिए एक बार इसका। सर खड़ा हो रहे मोनू, अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले, तलाशी दे। कहाँ है पर्ची रे? पर्ची तो मिल ही नहीं रही है। सर जी ध्यान से चेक कीजिए जी, उसके जेब में होगा, कहीं छिपा के रखा होगा। सर जी ध्यान से देखिए आप। अरे नहीं मिल रहा है, अब उसके जेब में घुस जाऊँ क्या? पेपर में टाइम वेस्ट करता है, चल बैठ जा। दोनों बैठ जाओ और अपना अपना पेपर करो। कहाँ गया यार पर्ची, समझ में नहीं आ रहा है। Oh, yeah. दिल में दर्द सा जगा है, काटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है? ओ हो हो, हा हा हा। कौन है रे, कौन है? जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। शांति बनाए रखें क्लास में, हल्ला बिल्कुल ना करें। पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ हाँ कुछ तो होने लगा। खड़ा हो जा रे, खड़ा हो जा तू, खड़ा हो जा। ला क्वेश्चन पेपर इधर दे, दे क्वेश्चन पेपर मेरे को, और चल तू मेरे साथ बाहर, चल चल बाहर। कहाँ सर, बाहर कहाँ जाना है? मुंबई इंडियन आइडल में, कितनी प्यारी आवाज है तेरी, उठ चल खड़ा हो। सॉरी सर अब नहीं करूँगा सर। नहीं नहीं, तेरा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा हमारे स्कूल में, उठ खड़ा हो, चल यहाँ से। सर जी प्लीज सर हाथ जोड़ रहा हूँ सर, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे पापा बहुत मारेंगे सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए, रहने दीजिए सर। लास्ट वार्निंग तेरे को दे रहा हूँ, अगर अब तेरी आवाज आई तो तू सीधा क्लास के बाहर जाएगा, गधा कहीं का, ना खुद पेपर कर रहा है ना किसी को करने दे रहा है, क्लास का सारा माहौल खराब करके रख दिया है तूने। शांति से बैठ जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। ओए मोनू, मोनू सुन यार सुन। हाँ बोल, जल्दी बोल। पांचवे का पहला बता, पांचवे का पहला। क्या बोल रहा है तू यार, थोड़ा तेज बोल। अबे बहरे, पांचवे का पहला बोल रहा हूँ, पांचवे का पहला। क्या बोल रहा है तू यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुत्ता कहीं का, पांचवे का पहला बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? तेज बोल यार तेज बोल, केवल मुंह हिला रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही है तेरी। पांचवे का पहला बता, पांचवा का पहला। तेज बोल यार तेज बोल, मेरे भाई तेज बोल, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। पांचवे का पहला, 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 पांचवे का पहला। सुनाई नहीं दे रहा यार मेरे को। पांचवे का पहला पूछ रहा है, पांचवे का पहला। नहीं सर, नहीं पूछ रहा हूँ सर, सॉरी। समोखन, अब तेरे मुँह से बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, और तू शांति से बैठ जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। किसी भी बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए। आप लोगों के पास केवल 20 मिनट रह गया है, तो अपना पेपर जल्दी जल्दी करो और शांति बनाए रखो। गोलू, अब लास्ट चांस है यार, मास्क उतार दे, अब तेरे मास्क की जरूरत है, उसमें कौन सा आंसर लिख के लेके आया है मास्क में? ठीक है यार, तू सर पर नजर रखना, मैं मास्क उतारता हूँ और पांचवे का पहला आंसर लिखता हूँ, फिर तेरे को भी दिखाता हूँ, बस तू सर पर नजर अपनी बनाए रख। ओके ठीक है। अरे यार समोखन, जो मास्क में लिखा था ना, वो गायब हो गया यार, पता नहीं कैसे अपने आप मिट गया। गुड, मुझे पता है कहाँ गया जो तूने मास्क में लिखा था, मेरी तरफ तू देखता रहे बस। सवेरे तो लिखा था, पता नहीं कहाँ पे चला गया, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन लिख के लेके आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गोलू मास्क पहन यार, मास्क पहन जल्दी से, शास्त्री आ रहा है। अब क्या डरना यार, जब मेरे मास्क में कुछ लिखा ही नहीं है। पहन ले यार, जल्दी पहन मास्क। ये क्या है रे, ये क्या बंदरों जैसी शक्ल बना के रखा है तू? एक मिनट जरा ध्यान से दिखा ना, ये तूने अपने मुंह पर आंसर लिखा हुआ है क्या? क्या बोल रहे हो, मुंह पर आंसर? नहीं तो इधर देखो रे, इस गधे को सब लोग नकल मारने के लिए हाथ में लिख के लाते हैं, पैर में लिख के लाते हैं, कागज में लिख के लाते हैं, और इस गधे को देखो, ये अपने मुंह में लिख के लाया है, बेवकूफ कहीं का। बता रे मुंह पर क्यों लिखा? नहीं सर, वो लिखा नहीं है सर, रात में सर वो पढ़ते पढ़ते ना किताब अपने मुंह पर रखकर सो गया था, तो वही सर किताब का पेज ना जिसके मुंह पर छप गया है। किताब मुंह पर रखने से छप गया? इसका मुंह है कि फोटोकॉपी मशीन है?
रहने दीजिए सर, इस बेचारे को तो दिख भी नहीं रहा है सर, ये कहाँ से देख कर नकल मारेगा, आप बताइए, छोड़ दीजिए बेचारे को। छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से मुंह धो के आना, ऐसे ही सो के उठ के चले आते हो। और आज घर पर जाकर तेजाब से मुंह धोना, जो ये मुंह पे लिखा हुआ है ना, इसको सब साफ कर लेना, नहीं तो कल क्लास में बैठने नहीं दूंगा तेरे को। जब भाग यहाँ से, लैटरिन में हार्पिक रखा होगा, उससे मुंह धो के आ। ला रे, सभी लोग अपना अपना पेपर जमा करो, टाइम हो गया, और तू अपना पेपर देके जा, ला इधर।